एक तरुण जी का सवाल जाते हैं तो और लेंगे। इन्होंने TCS के 10 शेयर ले रखे हैं जनवरी 2022 से 3870 रुपये के दाम पे, और आज TCS को 18 साल भी पूरे हो गए हैं लिस्टिंग में। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, यहाँ पे मेरा मानना ये है कि 3000 3100, ये साइकोलॉजिकल 3000 मार्क है, वो वहां पे अच्छे सपोर्ट्स तो हैं इसको, और जब तक वॉलेट नहीं होता आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। और रुपए का भी जो रुझान लग रहा है आईटी के लिए वो थोड़ा सही हो सकता है। रुपया अगर 82 83 जाता है तो थोड़ा अट्रैक्शन आईटी स्टॉक्स को मिलेगा। इंफोसिस टीसीएस उसमें से दो पिक ऐसे हैं, और स्पेशली टीसीएस, जहां मुझे लगता है कि एज लॉन्ग एज करंट स्तर से कहीं ये डाउनफॉल कंप्लीट हो जाए तो ऊपर में 3450 3500, ये टारगेट्स ऊपर में आते हुए दिखते हैं। प्योरली 1 से 3 महीने का कॉल है, 3000 के नीचे जिस दिन जाएगा उसके बाद से इसको छोड़ देना पड़ेगा। जी, अब चलते हैं। एक खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, बहुत दिनों बाद फिर दीदार हो रहा है, प्रकाश दीवान। श्री प्रकाश दीवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाकी करेंगे, लेकिन प्रकाश सर आपसे बातचीत शुरू करूंगा आज के आपके कन्विक्शन आइडिया के साथ। आपका आज का मिड कैप फंड क्या होगा बताइए। गुड मॉर्निंग वीरू। सो जो रिकवरी हम लोग मार्केट में कंजम्पशन की तरफ देख रहे हैं, और जिस हिसाब से मॉल रेस्टोरेंट होटल्स ये सब में वापस जो चहल पहल दिखना शुरू हुई है, उसको देखते हुए एक कुछ कंपनीज के आंकड़ों में भी बहुत अच्छा ये चीज बहुत अच्छी तरह झलकनी शुरू हुई है। अभी कुछ समय पहले मुझे मानस ने किसी ने जुबिलेंट की बात की थी, तब मुझे खास याद आया, मैंने कहा इस क्षेत्र में जो QSR है उसके अलावा जो डाइनिंग इन डाइनिंग रेस्टोरेंट है उनके भी अब उनका भी बोलबाला जो है शुरू हो रहा है। उसमें से एक कंपनी है बारबेक्यू नेशन, काफी शहरों में ऑलरेडी उपस्थित है, अच्छा खासा नाम है, ब्रांडेड है। चक्कर ये है कि ये कंपनी को बिकॉज इनका कोई टेक अवे वाला कोई बिजनेस मॉडल नहीं था तो पैंडेमिक ने बहुत बुरी तरह से मारा। तो अगर आप देखेंगे 2020 मार्च का जो साल पूरा हुआ, जब जो पैंडेमिक का असर जिसमें पूरे नहीं था, उसमें करीब इन्होंने 850-860 करोड़ की टॉप लाइन करी थी, सेल्स किए थे, और अब जाके पिछले साल FY22 में वापस पैंडेमिक के होते हुए भी इन्होंने अपने आप को ढाला संवारा और फिर से 860 करोड़ को क्रॉस किया है। इस क्वार्टर के जो नंबर्स, जो जून क्वार्टर के नंबर्स देखते हुए समझ आ रहा है कि फाइनली कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिटेबिलिटी वापस आती हुई दिखेगी। तो अगर आप पी मल्टीपल पे उस पे देखेंगे तो बड़ा महंगा लगेगा, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी तो अब आना शुरू हुई है। IPO के बाद इन्होंने अच्छा खासा अपना डेट भी घटा दिया है, और डेप्रिसिएशन की वजह से थोड़ा सा आपको बैलेंस शीट पे वो दिखता है कि ये इतना मार इसमें पड़ रहा है, कहाँ प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, पर वो डेप्रिसिएशन ज्यादा है उस वजह से। तो ये सेम परिस्थिति है जो आपकी वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट की आज से 5 साल पहले थी। वेस्ट लाइफ ने भी अपने आप को जब स्केल अप करना शुरू किया तो इस टाइप के आंकड़े दिखते थे, प्रॉफिट नहीं दिखता था, सेल्स दिखती थी, तो आदमी सोच रहा था कि इसमें फायदा कहाँ से होगा। एक चीज आपको बता दूं कि ये वाले बिजनेसेस में जो मार्जिन प्रोफाइल होती है वीरू, हो और ग्रोथ, ये जब साथ में मैच हो जाते हैं तो आपको अच्छा खासा इसके अंदर अपसाइड जो है वो बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि बिजनेस स्केलेबल बहुत है, बहुत स्केलेबल है, और उस वजह से मुझे ये समझ आ रही है कि आगे चल के हिंदुस्तान में जैसे जैसे कंजम्पशन का दौर बढ़ता गहराया जाएगा, इसको इसकी बारी आएगी, तो इस पे नजर रखें। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग शेयर होल्डर है जो 10% से थोड़ा सा ही नीचे है, एक दूसरी कंपनी है जो शेयर होल्डर, वो लोग ढूंढेंगे तो जानेंगे, बट बड़ा इंटरेस्टिंग वो है कि उन्होंने इसमें क्यों शेयर लिया हुआ है, और कहीं ना कहीं आगे चल के इसके इसके पीछे का तर्क भी जो है मार्केट में समझ आना शुरू होगा। बट आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग प्ले, 3500 करोड़ की मार्केट कैप पे आज मिल रही है इतनी अच्छी कंपनी, इतना अच्छा बिजनेस। इश्यूज पुराने थे, रहेंगे भी थोड़े बहुत, पर वो धीरे धीरे सुलटा दिए जाएंगे, इस उम्मीद में इसको पिक किया है। प्रकाश सर आपने सुबह सुबह क्या छेड़ दिया, बारबेक्यू नेशन, आशीष मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट। अच्छा, ये आपने लॉकडाउन का जिक्र किया था सर कि लॉकडाउन में अगर आप देखें टॉप लाइन इनका हर्ट हुआ था, ये जो इनका बारबेक्यू नेशन इन्हें बॉक्स था, वो क्या सक्सीड हो पाया क्या? नहीं, वो उसको अडॉप्ट होने में इतना समय लगता है वीरू, मैंने भी ट्राई किया था, पर इनके खुद के ही सिस्टम, आप दो अगर ऑर्डर करें तो दोनों ऑर्डर में कंसिस्टेंसी नहीं दिखती थी, तो वो
बिकॉज दे वर नॉट ये पिज्जा डिलीवरी वाले तो थे नहीं कि इनको पता है सिस्टम कैसे होना चाहिए, कि ऑर्डर आता है तो ये चीज ये इस टाइप के प्रोसेस में जाना चाहिए. तो इनके लिए थोड़ा नया था, प्रिपेयर्ड नहीं थे ये, उस वजह से थोड़ा सा मार पड़ा था. बट आगे चल के कर सकते हैं वो, बट अभी तो इन डाइनिंग जो जो सेल्स हैं, अगर आप देखें, अच्छा बाय द वे यू मस्ट हैव नोटिस इनकी ऐप पे आपको बुक करना पड़ता है टेबल अपना, वो जल्दी मिलता नहीं है. छुट्टी के दिनों में अगर आप लेट हो गए तो आपको लंच टाइम पे डिनर टाइम पे बिल्कुल नहीं मिलेगा. सो जो डिमांड साइड है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है इसमें. बहुत खाने की चर्चा हो गई. ये जो बॉक्स की बात वीरू ने अलग से छेड़ दी ना, ये प्रकाश सर आप मंगाते हो, ये वीरू तो बार बार मंगाते हैं. ये अनलिमिटेड होता है बारबेक्यू नेशन, डब्बे में अनलिमिटेड कैसे आता है वीरू आपके लिए? नहीं नहीं, उसकी कीमत भी उस हिसाब से अलग जनाब, प्राइस नहीं, मैं मान के चल रहा हूँ वीरू ने हिसाब किताब लगा के डब्बा मंगाना शुरू करा है. नहीं नहीं आशीष, लॉकडाउन में मैंने दो बार मंगाया था, एक बार वेज एक बार नॉन वेज भी, मतलब ठीक है, आई मीन ठीक था जो प्राइस इन्होंने मांगा और उस प्राइस पे जो चीज़ डिलीवरी करी. लेकिन क्या होता है ना, आदमी क्या होता है, किसी भी रेस्टोरेंट के फूड को इन डाइनिंग में जो एक्सपीरियंस होता है वो कंपेयर करने लगता है. तो वो तुलना करने योग्य नहीं था, लेकिन इन डाइनिंग में अगर आप देखें, जब आप होटल में बैठे खाना खाते हैं, तो आई थिंक इनको खाना खिलाने की जो तहजीब है मैं मानता हूँ वाकई बहुत अच्छी है. बहुत अच्छी. और इसमें एक और खासियत है, मुझे पता नहीं क्यों रिकॉल हो रहा है, ये लोग सर्विस चार्ज नहीं लगाते अपने बिल में, कभी नहीं लगा है इन्होंने. नोटिस किया आप लोगों ने? कभी नहीं लगाते है ना इनके बिल में, सर्विस चार्ज नहीं लगाते. और आप सर्विस चार्ज कभी नहीं लगता. दूसरी बात, आप किसी को बुला के अगर आप एक टिप देना भी चाहें, देंगे नहीं वो 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा. बिल्कुल. और अच्छा, जो दूसरी कंपनी की बात कर रहे थे ना दीवान सर, जो आप लोग को जाके टटोलना है, आप लोगों ने टटोली लिया होगा जुबिलेंट फूडवर्क्स का, एक्चुअली 9-9.5% के आसपास का मेरे ख्याल से, या 10% एक शेड नीचे ही, ऑलमोस्ट 10% के आसपास जुबिलेंट फूडवर्क्स बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी में ओन करता है. चलिए दीवान सर, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया. चलिए क्विकली रैप अप कर देता हूँ आज के चार का चौका का. सस्ता ऑप्शन शुभम की तरफ से आया था, हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL का सितंबर का 2640 का कॉल, 67 पे लिया हुआ, 70 प्लस पर है, हमारे इवेंचुअल टारगेट्स 80 और 82 तक के हैं. तो बढ़िया ट्रेड धीरे धीरे ग्रिप में आ रहा है, देखते हैं और किस तरह के मूव्स आते हैं. FNO सुपरस्टार शिवांगी सारदा की तरफ से सीमेंस था, सीमेंस वही ट्रेड था जो चतुर्मोता साहब ने खुलने के बाद क्विक सिंगल्स के तौर पर भी मेंशन करा था और फिर से रिहाइड्रेट होता हुआ कॉल दर्शन कर लीजिए. सीमेंस में खरीदारी 3020 के टारगेट्स 2860 के स्टॉप के साथ. अमित सेठ साहब ने चार्ट का चमत्कार में रिलायंस की बात करी, रिलायंस इंडस्ट्रीज पसंद आ रहा है, खरीदारी करने का कॉल रिलायंस इंडस्ट्रीज. आज सुबह मॉर्निंग कॉल में मेरे ख्याल से सतपुते साहब ने भी अलग से मेंशन कर रखा था, उनका भी तेजी करने का मन था. रखिए स्टॉक को रडार पे, 2700 तक की तैयारी कर रहा है. स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर स्क्रीन पर आ जाएगा, इंडिपेंडेंट एडवाइजर से जरूर बात करिएगा क्योंकि इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन इसी कंपनी के पास है, तो इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट से बातचीत करके ही कोई ट्रेड इनिशिएट करिएगा. और अभी भी दीवान साहब से बहुत डिटेल में मिड कैप फंडा पे चर्चा भी हो गई. बारबेक्यू नेशन वो स्टॉक है जो इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिहाज से.